नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। खबर आ रही है अमेठी से। नगर पंचायत के कर्मचारियों की मनमानी के चलते दुकानदारों का हुआ हजारों रुपए का नुकसान और दुकानों में घुसा पानी। अमेठी नगर के दुर्गापुर रोड बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने मंगलम जनरल स्टोर और आलोक मोबाइल शॉप के दुकान के अंदर पानी घुसा। पानी घुस जाने के कारण से दुकानदारों को हुआ हजारों रुपए का नुकसान। यह अमेठी नगर पंचायत के कर्मचारियों की मनमानी के चलते हुए दुकानदारों को हुआ काफ़ी नुकसान। नाली जाम होने के कारण से दुकानदारों के दुकान के अंदर नाली का पानी घुसा, जिसके चलते दुकानदारों हुए काफ़ी नुकसान। मंगलम जनरल स्टोर के दुकान के अंदर पानी चला जाने के कारण से दुकान के अंदर काफ़ी सामानों को भी हुआ नुकसान। आज सफाई होने के दौरान दुकानदारों को कोई सूचना नहीं दी गई। अगर नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा सूचना दी गई होती तो दुकानदारों को ना नुकसान हुआ होता, जिसके चलते दुकानदारों का हुआ भारी नुकसान। नालियों की सफाई भी नहीं की जाती है जल्दी से। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं? अनुराग मौर्य नाम है, मेरी दुकान ये बगल में है। क्या समस्या हुई है? यहाँ समस्या यही हुई कि लॉकडाउन चल रहा था दो दिन से, हम लोगों को पता नहीं चला। यहाँ सुबह 8 बजे पहले ही पूरा देखिए पूरा सब उखाड़ फेंक दिया गया है। अभी आए हम लोग देख रहे हैं, यहाँ सब कुछ उखड़ा पड़ा हुआ है। दुकान के सामने टाइल्स सब लगे, सब उखाड़ फेंक दिए गए हैं। कितना नुकसान हुआ इससे? नुकसान हम लोगों का बहुत ज़्यादा हुआ है, 10,000-20,000 का नुकसान हुआ है। राजेंद्र जायसवाल जी, किस प्रकार की समस्या हुई है? तो ये जल भराव कैसे हुआ दुकान के अंदर? अभी बारिश में जल भराव हुआ है जी। ये कितने का नुकसान हुआ है? 10,000 रुपये का नुकसान हो गया हमारा। तो ये सूचना आपको नहीं दी गई? बिल्कुल, पहले बताया गया था, व्यवस्था कर लेते अपना। ये खास रिपोर्ट थी संवाददाता अंकित अग्रहरी की। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।